आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं, जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसको हम जो है कहते हैं वेक्टर। सबसे पहले हम समझने का जो है प्रयास करते हैं कि वेक्टर है क्या। वेक्टर वो न्यूक्लिक एसिड मटेरियल्स हैं जो कि डीएनए हो सकते हैं या फिर आरएनए हो सकते हैं, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर जो है जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर उसको रेसिपिएंट होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करा करके उसके क्लोन तैयार करने में मदद करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो है क्या है, एक कैरियर्स की तरह से काम करते हैं या व्हीकल की तरह से जो है काम करते हैं जीनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे अपने अंदर ले करके, अपने अंदर जोड़ करके फिर उसको जो है रेसिपिएंट सेल के अंदर जो है ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां पे उसका जो है क्लोन तैयार हो जाता है। एक अच्छे वेक्टर के अंदर कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। अगर कोई अच्छा वेक्टर है, जिसको हम अच्छा वेक्टर कह रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो है स्मॉल साइज का हो, इसकी साइज जो है स्मॉल हो। दूसरी बात जो है क्या है कि इसके अंदर जो है एक ओरी साइट्स हो। ओरी साइट्स वो जो है साइट होती है जहाँ पे जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन जो है जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम जो है ओरी साइट्स के नाम से जानते हैं। तो एक ओरी साइट्स यहाँ पे होनी चाहिए। तीसरी जो चीज है कि इसके अंदर जो है सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर साइट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक जो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, और इसके साथ एक जो है यहाँ पे साइट और होनी चाहिए जिसको जो है हम रोप साइट के नाम से जो है जानते हैं। ये क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये कुछ गुण एक अच्छे वेक्टर्स के अंदर होने चाहिए। उसकी साइज जो है वो छोटी हो ताकि उसकी हैंडलिंग बड़ी आसानी से के साथ हो सके। दूसरी चीज है कि ओरी साइट हो यहाँ पे, यहाँ से जो है रेप्लिकेशन की शुरुआत हो सके। सेलेक्टेबल मार्कर साइट्स होने चाहिए जो कि किसी भी जो है एंटीबायोटिक्स के लिए भी हो सकते हैं, बायोटिक्स के लिए भी हो सकते हैं या फिर इंजाइम्स के लिए भी हो सकते हैं। जो एंटीबायोटिक्स आमतौर पे जेनेटिक इंजीनियरिंग्स में काफी पॉपुलरली यूज किए जाते हैं, उसको हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन्स के रूप में जो है जानते हैं। इंजाइम्स में जो है एक लैक लैक जेड जीन्स होता है जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। ये भी ब्लू कलर शो करते हैं, तो ये भी एक मार्कर की तरह से जो है काम करते हैं। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है, जैसा कि हमने आपको पहले ही जब जीन क्लोनिंग टॉपिक मैं आपको बता रहा था उस दौरान मैंने आपको बताया कि
जो है ये ऐसी साइट्स होती हैं, वो स्थान होता है जहां पे ये इंडो न्यूक्लियेजेज जो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेजेज है वो डीएनए को कट करते हैं, तो वो साइट्स जो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स के रूप में जानी जाती है। और वहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि पॉलीमराइजेशन को शुरू करता है उसको वहां पे बांधने के लिए जो हैं वो प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स भी होनी आवश्यक है। तो अगर ये गुण किसी भी वेक्टर के अंदर हैं तो वो उसको जो है हम अच्छा वेक्टर मान सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो वेक्टर हैं जिनको हम कैरियर या व्हीकल के रूप में भी जो है जानते हैं, यदि वो व्हीकल जो है डीएनए है तो उसको हम जो है व्हीकल डीएनए के रूप में भी जो है जानते हैं। उसके अतिरिक्त हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये कितने तरह के जो वेक्टर्स हैं वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो भी वेक्टर हैं उनको हम जो है अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। पहली कैटेगरी क्या है, नेचुरल। नेचुरल ये नेचुरल कौन कौन से हैं, इसमें प्लाज्मिड, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेज, बैक्टीरियोफेज्स, इसके साथ जो है वायरसेस, ये नेचुरल जो है कंडीशंस के अंदर जो है होते हैं। इसके साथ साथ जो है ट्रांसपोजन्स, ट्रांसपोजन्स ये भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मोबाइल जीन्स होते हैं। और पौधों के अंदर भी, पौधों के अंदर जो है मिर्च के केसेस में आप देखें एएस, डीएस और एमयू, ये ट्रांसपोजन जो है वो मिर्च के केस में आपको देखने को मिलता है, मक्के के केस में, और एनिमल्स के केसेज में ड्रोसोफिला के केसेज में आपको जो है पी एलिमेंट्स, ये भी जो है बैटर्स का काम करते हैं। इसके साथ जो है दूसरा जो कैटेगरी है इसको हम जो है रिकंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स कहते हैं। इनके अंदर आपको कॉस्मिड्स, फेजमिड्स, फेजमिड्स और इसके साथ साथ जो है सटल वेक्टर भी जो है आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ सिंथेसाइज्ड वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको जो है हम इसके अंतर्गत जो है बी ए सी और वाई ए सी वेक्टर्स को रखते हैं। बी ए सी जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स जोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स को जो है हम आर्टिफिशियल वेक्टर्स के अंदर जो है जानते हैं। इसके साथ साथ हायर प्लांट्स के केसेज में आप देखें तो वहां पे जो है आपको टी आई प्लाज्मिड्स और आर आई प्लाज्मिड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ये एग्रो बैक्टीरियम से प्राप्त होने वाले जो है हैं।
एक को हम जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त करते हैं जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, दूसरे को हम जो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस से प्राप्त करते हैं जो कि जो है रूट इनिशिएटिंग जो है प्लाज्मिड्स है। तो ये तो हम डिफरेंट प्लाज्मिड्स के बारे में हमने जो है देखा। यहाँ एक चीज और है कि ये जो वायरसेस हैं ये भी प्लांट वायरसेस और जो है एनिमल वायरसेस के अंदर कैटेगराइज किए जा सकते हैं। प्लांट वायरसेस के अंदर जो महत्वपूर्ण हैं वो टीएमवी हैं, सीएमवी हैं, टीएमवी, सीएमवी और उसके साथ साथ जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरसेस इसके अंदर यूज होते हैं। एनिमल्स के केसेस में ज्यादातर जो हैं वो एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, वायरस इसके बाद हर्पी वायरस, हर्पी वायरस, बकुलो वायरस, वायरस ये सब जो है एनिमल वायरसेस के अंतर्गत आते हैं जिनका इस्तेमाल वेक्टर्स के रूप में जो है होता है। तो सबसे पहले हम जो है पहले कैटेगरीज को समझने का प्रयास करते हैं। प्लाज्मिड्स, जो प्लाज्मिड्स हैं ये आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए मटेरियल हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर आप देखेंगे तो एक बैक्टीरियल सेल्स है, यहाँ उसका जो है जेनेटिक मटेरियल है और उसके साथ साथ जो है एक सर्कुलर बॉडी जो है पाई जाती है जिसको हम जो है प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, मतलब इस जीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इससे अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके अंदर जो है अपने आप संख्या बढ़ाने की क्षमता होती है, इसलिए हम जो है इसको ऑटोनॉमसली या सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी के रूप में जानते हैं। ये किसी भी बैक्टीरियल के सेल के अंदर प्लाज्मिड की संख्या या तो एक हो सकती है या जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा ये 10 से लेकर के 100 तक की संख्या में एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है पाए जाते हैं। यदि उनकी संख्या एक है तो उसको हम सिंगल कॉपी कहेंगे, सिंगल कॉपी, सिंगल कॉपी, और यदि उनकी संख्या जो है एक से ज्यादा है तो उसको हम जो है मल्टीपल कॉपी, मल्टीपल कॉपी जो है कहते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सेल्स के अंदर इन प्लाज्मिड्स का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड्स बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनके अंदर ही जो फर्टिलिटी के जीन्स हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो जीन्स हैं वो या बैक्टीरियोसिनिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो है बैक्टीरियोसिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन्स हैं ये सारे जो है यहीं पे इसी प्लाज्मिड्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है।
जो महत्वपूर्ण प्लाज्मिड्स इस समय इस्तेमाल किए जाते हैं जो है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है PBR 322 और PUC। ये जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लाज्मिड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से PBR का चित्र मैंने पहले से ही जो है यहाँ पे बना के रखा है। इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट साइट्स जो है देखने को मिलती हैं, जो है ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और जो है ये प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, ये जो है ओरी साइट है, और इसके साथ जो है कई सारे जो है इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इंजाइम साइट्स हैं। ये प्रत्येक जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है उनकी एक स्पेसिफिक साइट्स होती है और उसी के ऊपर वो जो है कट करते हैं। तो इस को जो है हम ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है ये प्लाज्मिड्स है, प्लाज्मिड और फेजमिड ही, सॉरी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ही सबसे ज्यादा यूज होने वाले वेक्टर्स होते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हमको जो है कोई जीन क्लोनिंग करानी होती है तो सबसे पहले हम जो है बैक्टीरियल जो है प्लाज्मिड्स को आइसोलेट करते हैं, जैसा कि हमने आपको जो है इसके पूर्व वाले टॉपिक में जो है बताया था, और इसके साथ जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लेते हैं। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करेगा यहाँ पे जो है कट बना देगा, और उसी कट के अंदर जो है ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और ये जो है एक बड़ा जो है डीएनए बन जाता है, जिसको हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड है, उसको हम जो है क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि होस्ट सेल है उसके अंदर जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण जो है वेक्टर है जो कि प्लाज्मिड्स के रूप में जाना जाता है। बैक्टीरियोफेजेस जो है आमतौर पे लीनियर डीएनए होते हैं, और ये आमतौर पे कैप्सिड से घिरे होते हैं। ये भी वेक्टर की तरह से काम करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल इनका जीन लाइब्रेरी को तैयार करने में है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो साइज है वो छोटी होती है, इनको हैंडलिंग करना आसान है, और एक सेल के अंदर इनकी मल्टीपल कॉपी जो है वो तैयार हो जाती है, इनकी संख्या मल्टीपल कॉपी के रूप में जो है रहती है। तो वो जो है बैक्टीरियोफेजेज, सबसे महत्वपूर्ण जो बैक्टीरियोफेजेज इस समय इस्तेमाल हो रहे हैं वो आमतौर पे M13 जो है। इसके साथ जो है कुछ और बैक्टीरियोफेजेज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी ये जो हैं ट्रांसपोजेंस और जो है ये इनका स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। उसके साथ जो है कुछ कॉस्मिट जो है तैयार होते हैं, रिकंस्ट्रक्टेड हैं। वो कॉस्मिट है क्या? ये वास्तव में प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स हैं। इनको जो है ये जब इनकॉर्पोरेट होते हैं किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ, तो ये उसके साथ जो है बैक्टीरियोफेज के साथ जुड़ करके, डीएनए के साथ जुड़ करके, सपोज दैट कि ये जो है इतना हमने जो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है बना लिया।
और ये बाकी जो है ये क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का पोर्शन, और इसके साथ जो है इतना जो है बैक्टीरियोफेज का। तो ये शुरुआती दौर में जो है लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब अपने प्रतिरूप को जो है तैयार करते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या है ये लिटिक साइकिल शो करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाता है, जो बैक्टीरियल जो है प्लाज्मिड है वो टूट करके फिर अलग होता है, और टूट करके जब अलग होता है तो उसके साथ ही साथ जो है ये कुछ पोर्शन अपना बैक्टीरियोफेज का भी ले लेता है, और ये जो बैक्टीरियोफेज का पोर्शन है ये यदि कास साइट है, कास साइट का मतलब है कोहेसिव इन, हमने आपको जो है रेस्ट्रिक्शन इन इंजाइम्स के अंदर जो है बताया था कि कोहेसिव इन का क्या मतलब है, कि जैसे मान लीजिए ये जो है TTAA है, ये सी और ये जी, यहां से जब ये कट करेगा तो यहां जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसके वो क्या क्या होंगे, ये तो यहां से जब ये आएगा तो ये यहां से इस तरह से जो है ये कट करेगा, तो जो स्ट्रैंड्स बनेंगे दोनों के बीच में तो वो जो है आपको इस तरह से दिखेंगे। तो ये जो बेसेज हैं यहाँ पे ये क्या है, कोहेसिव इंड के हैं या स्टिकी इंड के हैं। तो अगर ये जो है कॉस साइट रखता है तो इसको हम जो है कॉस्मिड कहेंगे, और यदि ये एड साइट रखता है, एड साइट, तो इसको हम जो है फेजमिट्स के नाम से जो है जानते हैं। इसके अतिरिक्त सटल वेक्टर्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और हायर प्लांट्स के केसेस में एस्केरिचिया कोलाई और जो है बेसिलस को जो है मिला करके बनाए जाते हैं, जो दोनों जगहों पे बैक्टीरियल सेल के अंदर भी जो है काम करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो हायर प्लांट्स के केसेज में भी, बेसिलस के अंदर भी, या फिर जो है ये ईस्ट सेल के अंदर भी जो है काम करते हैं। तो ये जो है सटल की तरह से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के अंदर काम करते हैं। उसके साथ साथ जो है कुछ आर्टिफिशियल जो वेक्टर्स हैं वो भी तैयार किए जाते हैं, लंबे जीनोम्स को जीन क्लोनिंग में ले जाने के लिए, उनके प्रतिरूप तैयार करने के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स है, इनका जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स तैयार करने में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरह से ये वायरसेस, बैक्टीरिया और सॉरी प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, वायरसेस, ट्रांसपोजन्स और कॉस्मिड, फेजमिड, सडल वेक्टर, ये सारे जो है एक वेक्टर की तरह से कार्य करते हैं।